नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन मैन एंड वुमेन ऑल्सो. ठीक है, फर्स्ट डिजीज है टाइफाइड. टाइफाइड आपको मेन टाइफाइड के बारे में पढ़ना है, कौन कॉजेटिव एजेंट है, किस तरह से डिजीज कॉज हो रही है, क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या इसके प्रोफिलैक्सिस हैं. ठीक है, वो सब स्टडी करेंगे हम. जैसे कॉज किसके थ्रू कॉज हो रहा है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है. क्या है, बैक्टीरियम. बैक्टीरियम क्यों लिखा है, प्लूरल है. ठीक है, बैक्टीरिया का बैक्टीरियम. ग्राम नेगेटिव बैसिलस, ऑलरेडी मैं आप लोग को क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा शेप्स. ठीक है, बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है. अगर स्फेरिकल है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं कोकस. अगर रॉड शेप है, रॉड शेप मतलब जस्ट लाइक दैट रॉड शेप है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बैसिलस. तो उन्होंने कहा ग्राम नेगेटिव बैसिलस. ग्राम नेगेटिव इसलिए कहा, ग्राम एक ग्राम स्टेनिंग होती है. ठीक है, जिसको बैक्टीरिया को स्टेन किया जाता है. ठीक है, ग्राम स्टेनिंग में दो टाइप के बैक्टीरिया हमें नजर आते हैं, या तो पर्पल एंड ब्लू कलर के, या रेड एंड पिंक कलर के. ठीक है, तो ये बिकॉज ऑफ ग्राम स्टेनिंग के बाद रेड एंड ग्रीन, रेड एंड पिंक कलर के नजर आते हैं. दैट्स वाई इसको कहा गया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है, किस कलर के नजर आते हैं जब हम इसे स्टेन करते हैं ग्राम स्टेनिंग से, रेड एंड पिंक कलर के नजर आते हैं. दैट्स वाई इनको कहा जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. मेनली फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन या ह्यूमन में इनिशियली क्योंकि ये वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू बॉडी के अंदर इंसर्ट होता है, तो हमारे इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा इनिशियली पार्ट में, बट धीरे धीरे लेटरल ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, लेटर इन द ब्लड स्ट्रीम. क्योंकि सबको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम वहां पे काम कर रहा है, कैपिलरीज हैं, तो वो कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में पहुंच जाता है. फिफ्थ मोस्ट कॉमन कॉम्युनिकेबल डिजीज. कॉम्युनिकेबल डिजीज क्यों कहा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कॉम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो डायरेक्टली हो. ठीक है, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग के थ्रू, तो नॉन लिविंग थिंग के थ्रू भी हो सकता है और लिविंग थिंग के थ्रू भी हो सकता है. ठीक है, इपिडर्मोलॉजी डायरेक्ट और एंड ऑरली. डायरेक्ट मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू, एंड ऑरली मतलब जब आप फूड को अपटेक करते हैं, वाटर को अपटेक करते हैं. बैक्टीरिया आर स्प्रेड थ्रू इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज ऑफ टाइफाइड कैरियर. मान लीजिए किस तरह से, मैंने कहा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू, मान लीजिए एक टाइफाइड का पेशेंट है, उसके थ्रू बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकला है उस पर मॉस्किटो, फिश, आपकी हाउस फ्लाई बैठ गई है, गलती से आपके फूड में उसने वो इन्फेक्शन एजेंट क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है, और उस इन्फेक्शन एजेंट प्लस आप फूड अपटेक कर लेते हैं, तो उसके थ्रू भी आपको क्या हो सकता है, डायरेक्ट इन्फेक्शन हो सकता है. इसलिए कहा है डायरेक्ट एंड ऑरल. इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 weeks. लगभग इंक्यूबेशन का मतलब है कि वो अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है. ठीक है, अपनी सेना का मतलब डबलिंग, तो वो टाइम क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, जो कि कितना है, 1 to 3 weeks. सिम्टम्स, हेडक, हाई फीवर अप्रॉक्स 39 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, लीजन ऑफ इंटेस्टाइनल मिकोसा. पेट में पेन क्यों होता है, क्योंकि वहां पे अल्सर या लीजन छोटे छोटे दाने हो जाते हैं. मिकोसा मतलब इनर लेयर ऑफ इंटेस्टाइन. ठीक है, हेमरेज. हेमरेज का मतलब है लीजन अगर बहुत ज्यादा भर जाते हैं तो वहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए टर्म यूज की गई है हेमरेज. एंड अल्सरेशन ऑफ इंटेस्टाइन, वही जो दाने हैं उनको हम अल्सर भी बोल सकते हैं. ठीक है, रोज कलर्ड रैश ऑन नेक, नेक पर रेडिशनेस आपको नजर आएगी, अपर एब्डोमिनल और साथ में अपर एब्डोमिनल में भी वो चीज आपको नजर आएगी अगर इसका इन्फेक्शन वहां प्रेजेंट है. डायग्नोसिस मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसके थ्रू इसको डायग्नोस किया जाता है. विडाल टेस्ट है, मतलब एंटीजन, हम लोग तो विडाल टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी की किट आती थी, उसके थ्रू स्लाइड पर पेशेंट का वो ले लीजिए ब्लड, एंड देन एंटीबॉडीज डाल के हम लोग चेक कर लेते थे. अगर वहां पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो इट मीन्स पॉजिटिव, और नहीं हो रहा है तो नेगेटिव. तो वो जो टेस्ट है उस टेस्ट का नाम क्या है, विडाल टेस्ट. यही आपको मेन टर्म याद रखनी है, विडाल टेस्ट. और ये पता चलता है सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक में क्योंकि अभी ग्रो नहीं किया है वो प्रॉपर, इसलिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या कहा है, 1 to 3 weeks. इसलिए सेकेंड वीक में ही आपको विडाल टेस्ट में क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव पता चलेगा. प्रोफिलैक्सिस मतलब किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर नहीं. ठीक है, प्रिवेंट का मतलब अदर पर्सन को, घर में और जो लोग हैं उनको. प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ ह्यूमन फीसेस, सीवेज प्रॉपर होना चाहिए. स्क्रीनिंग ऑफ वाटर एंड फूड सोर्सेस, कोशिश कीजिए जो भी फूड एंड वाटर आप अपटेक कर रहे हैं वो कैसा हो, क्लीन हो. टीएबी मतलब वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर अबाउट 3 ईयर्स.
जब 3 साल का बच्चा होता है तो उसको ये वैक्सीन दी जाती है, तो वो वैक्सीन वहां पे उसको खिलानी चाहिए। ठीक है, थेरेपी की अब ट्रीटमेंट क्या है, ये प्रोफिलैक्सिस मतलब कि प्रिवेंट कर सकते थे, अब ट्रीटमेंट। क्लोरामफेनिकोल ये आपकी एंटीबायोटिक है, ठीक है, एम्पिसिलिन दिस इज ऑल्सो एंटीबायोटिक, एंड क्लोरोमाइसिटिन ये भी एक टाइप की एंटीबायोटिक है। तो इस तरह से आप टाइफाइड को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कॉजेटिव एजेंट क्या है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या उनका ड्यूरेशन है, क्या प्रोफिलैक्सिस है, एंड देन किस ट्रीटमेंट के थ्रू आप उससे अपने आप को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, समटाइम किसी का अगर टाइफाइड बिगड़ जाता है, बिगड़ जाने का मतलब इन्फेक्शन अगर फैल जाता है तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाईली इन्फेक्टेड एजेंट की तरह काम करता है। थैंक यू एवरीवन।